नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर अधिनियम एवं आयकर संबंधी प्रावधानों की अपनी चर्चा संबंधी श्रृंखला में एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। आयकर से रिलेटेड एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के, जिसका के समाधान हर कोई चाहता है, मिलता मुश्किल है। ये क्या प्रश्न है सर, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसका उत्तर मैं चाहता हूँ कि हम सब तक पहुँचे। और मुझसे अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है, जब हम किसी प्रकार से किसी क्लाइंट से मिलते हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से हमारी आयकर विषय पर चर्चा होती है, तो जनरली ये बात निकल करके आती है कि भाटिया जी, कुछ ऐसा बताओ कि मेरे को इनकम टैक्स में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, मेरा असेसमेंट तो नहीं खुल जाएगा, ऐसा क्या मैं करूं कि कल को मेरा कोई असेसमेंट ना खुले? तो सर, ये तो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। इसका उत्तर कैसे निकाला जाए कि कल मेरा असेसमेंट तो नहीं खुल जाएगा? तो सर, ऐसे कोई आधार नहीं है कि जिससे आपको कोई ये कह दे कि साहब ये कर लो तो आपका असेसमेंट नहीं खुलेगा, क्योंकि आयकर संबंधी कोई असेसमेंट खोलना नहीं खोलना पूर्णतः सरकार का डिस्क्रिशन है। आयकर विभाग हर साल ऐसे कुछ पैरामीटर्स तैयार करता है जिनके बेसिस पर लोगों के असेसमेंट खोले जाते हैं। अब इस पैरामीटर्स में क्या आपका केस आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या वित्तीय ट्रांजेक्शन किए हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या किए हैं, क्या आपने उन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न में बताया है, शामिल किया भी है या नहीं किया। तो सर, मैं पुनः अपने प्रश्न पर आता हूं कि ऐसा क्या हो कि मेरा इनकम टैक्स में असेसमेंट ना खुले? तो यद्यपि इस प्रश्न का स्पष्ट जवाब, क्लियर आंसर नहीं दिया जा सकता, परंतु हाँ सर, मेरा पेशेवर अनुभव, प्रोफेशनल अनुभव, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो लोग जो अपने वित्तीय ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न में प्रॉपरली शामिल कर लेते हैं, उनसे संबंधी जो भी टैक्स लायबिलिटी होती है उसका भुगतान कर देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सर जनरली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई इंक्वायरीज या असेसमेंट फेस नहीं करने पड़ते। लेकिन जो लोग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने के बावजूद उनको बताते नहीं है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में नहीं लाते, वो लोग निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार से आयकर विभाग की किसी राडार पर रहते हैं और किसी न किसी दिन उनका असेसमेंट निश्चित रूप से खुलता है। सर, जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पीपल आर डूइंग ब्लंडर्स इन देयर फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। कैसे सर? मैंने ये सोचा था 50,000 रुपये का यदि मैं राशि जमा कराऊंगा मेरे खाते में कैश, तो हो सकता है बैंक पैन नंबर की सूचना दे दे, तो एक काम करता हूँ, मैं 45-45 हज़ार करके 5-10 बार अपने खाते में पैसे जमा करा लेता हूँ। तो सर, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ कि मैं 45-45 हज़ार करके अपने खाते में 10 अलग अलग बार 4.5 लाख कैश जमा करा दूं और कोई नहीं देख रहा। आयकर विभाग के पास यह भी सूचना जाती है कि मैंने साल में टोटल 4.5 लाख रुपये नकद जमा करा दिए। इसी प्रकार से बहुत सारे लोग सर सेल डीड यानी रजिस्ट्रियां करते हैं प्रॉपर्टी की, और उन सेल डीड की कोई सूचना सर वो इनकम टैक्स रिटर्न में शामिल ही नहीं करते कि उन्हें कैपिटल गेन क्या हुआ, यदि कैपिटल लॉस हुआ तो क्यों ना वो कैपिटल लॉस को अपनी रिटर्न में बता दे। आयकर विभाग के पास स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार से हर वर्ष से सूचना जा रही है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए सेल डीड के, और वहां से वो कैप्चर कर लेते हैं कि क्या आपने उस रिलेवेंट ट्रांजेक्शन पर कोई गेन या लॉस अपने रिटर्न में रिपोर्ट किया। बहुत सारे लोग शेयर्स के ट्रांजेक्शन करते हैं और सोचते हैं कि साहब मुझे तो लॉस हो गया, अब मुझे क्या अपनी रिटर्न में बताना। तो सर, शेयर के ट्रांजेक्शन हुआ, आपको लॉस भी है, आप अपनी रिटर्न में बताइए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये देखना चाहेगा कि आपने ये शेयर के ट्रांजेक्शन जो किए इसके ऊपर यदि कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आप कहाँ से लाए। लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन किए, पैसा इधर उधर से ले लिया, कुछ कैश जमा करा दिया, अल्टीमेटली लॉस खा के बाहर निकल गए, तो सोचा यार मैंने तो कुछ कमाया नहीं तो अब क्या बताऊं। नहीं सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानना चाहता है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहां से निकाले। यू आर सपोज टू रिपोर्ट सर ट्रांजेक्शन इन योर रिटर्न। सर, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो लोग अपनी रिटर्न में ट्रांजेक्शन्स को बताते हैं, शामिल करते हैं, उनका टैक्स इंपैक्ट लेकर के आते हैं, चाहे वो लॉस क्यों ना हो, उन लोगों के असेसमेंट खुलने की संभावना निश्चित रूप से कम होती है, बजाय उन व्यक्तियों के जो कि किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न से छुपाते हैं। तो सर, मैं इस और इसलिए आपको सजग करना चाहता हूं क्योंकि इनकम टैक्स में प्रॉपर ट्रांजेक्शन नहीं बताने से अपनी रिटर्न में
आपको बहुत सीवियर पेनल्टीज सर आने वाले समय में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो यह चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है सर कि चाहे मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, चाहे मैं कमीशन कमा रहा हूं, चाहे मैं कोई व्यापारिक ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मैं किसी से लोन ले रहा हूं दे रहा हूं, ठीक है, या मैं किसी प्रकार के कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, मुझे इन सब ट्रांजेक्शंस को अपनी रिटर्न में जहां तक संभव हो शामिल करना है। और इसके लिए सर द बेस्ट पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ टैक्स एडवोकेट। आप निश्चित रूप से सर पेशेवर व्यक्ति से संपर्क करें, वो व्यक्ति आपको गाइड करेंगे कि साहब आपको किस प्रकार से इन ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न में शामिल करना है। मैं सर हालांकि अदरवाइज नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरा अनुभव ये भी कहता है कि आजकल ऐसे ऑनलाइन ऐप आ गए जिसके अंदर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस की सूचना दे दें, फॉर्म 16 बता दें और ऑनलाइन रिटर्न भर के अपने आप प्रोसेस हो जाएगी। सर मेरी ओपिनियन में जब तक आप किसी पेशेवर व्यक्ति से सही राय ना ले लें, तब तक इस प्रकार के किसी भी ऐप का यूज करके रिटर्न अपलोड करना मेरी ओपिनियन में सही नहीं है। तो सर आज के लिए मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। तो आई होप कि मेरी इस प्रोफेशनल एडवाइस का आप फायदा उठाएंगे और जहां तक संभव हो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अपनी रिटर्न में अपने ट्रांजेक्शंस को दिखाते हुए और आप किसी भी प्रकार के एडवर्स इनकम टैक्स कार्रवाई से निश्चित रूप से बच पाएंगे। मुझे सुनने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से आने वाली वीडियोज में आपकी नॉलेज अपडेशन के प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।